हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनदीप है और मैं आज की वीडियो में आपके लिए एक और नया एनएलपी बेस्ड प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। इसमें बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली टेक्स्ट टू ऑडियो जनरेशन ऐप है। आप इस प्रोजेक्ट को यू अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए, या फाइनल सेमेस्टर के असाइनमेंट के लिए, या फाइनल सेमेस्टर के जो मेन प्रोजेक्ट होता है उसकी सबमिशन के लिए, पर्सनल लर्निंग के लिए, प्रोफेशनल लर्निंग के लिए, एनी ऑफ द रीजन, फॉर दीज रीजन यू कैन यूज इट। और मैंने सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो के पिंड कॉमेंट्स में और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आई कैन हेल्प यू विद द कोड। सो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो रहने कैसे वाली है। सबसे पहले मैं जो है इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या। उसके बाद मैं इसका आपको डेमो करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इसका आर्किटेक्चर बताऊंगा, उसके बाद एक क्विक कोड वॉक थ्रू करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बेसिकली सिंपल टर्म्स में, बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो ये एक वेब ऐप है। फ्रंट एंड में एक बेसिकली आपका HTML और JavaScript में एक फ्रंट एंड लिखा गया है, फिर जो है आप ये REST API का यूज करके, और बैकएंड में एक जो है टेक्स्ट टू ऑडियो जनरेशन का एक मॉडल होस्टेड है। सो बेसिकली ये करता क्या है, ये बेसिकली क्या करता है कि आप इसको कुछ टेक्स्ट दीजिए और उस टेक्स्ट को जो है ये ऑडियो में कन्वर्ट करके दे देगा। अब ऑडियो भी ये मेल वॉइस में भी कर सकता है और फीमेल वॉइस में भी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों ऑप्शन। आप यहाँ इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, मेल वॉइस में भी जनरेट करके दे देगा और फीमेल वॉइस में भी जनरेट करके दे देगा। और ऑल्सो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसके अलावा सिंपल प्लेन टेक्स्ट के अलावा, जैसे कि हम अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं, तो जैसे कई बार हम बात करते वक्त बीच में एक पॉज लेते हैं, या लाफ्टर होता है, या फिर जैसे ऐसे हम थ्रोट चकल करते हैं या कुछ भी, तो आप अगर वैसा टेक्स्ट देंगे तो ये बिल्कुल वैसी ऑडियो भी जनरेट कर देगा। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं आपको एक डेमो में भी दिखाऊंगा। जैसे अगर मैं को आपको एक लाफ्टर वाला टेक्स्ट दूंगा, बेसिकली मैं अगर मेंशन करता हूँ कि लाफ्टर वाला, तो जब ऑडियो जनरेट होगी, ऑडियो के अंदर एक्चुअली कोई जो मेल या फीमेल वॉइस जनरेट होगी उसमें जो है एक लाफ्टर भी आएगा। सो बेसिकली ये दिस इज दैट मच पावरफुल। तो चलिए ये तो हुआ इंट्रोडक्शन के बारे में, अब आ जाते हैं डेमो के ऊपर। डेमो के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, ये मेरा अभी आप देख पा रहे हैं फ्रंट एंड रनिंग है, यहाँ बैक एंड, ये मेरा बैक एंड रनिंग है, ये बैक एंड के लॉग्स और यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको जो है कोई भी एक सिंपल टेक्स्ट दूंगा, बड़ा टेक्स्ट नहीं दे रहा, क्योंकि जितना बड़ा टेक्स्ट दोगे मॉडल को उसको ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए उतना ज्यादा ही टाइम चाहिए। और ऑल्सो बेस्ड ऑन योर मशीन कन्फिग्रेशन इट कैन जनरेट द रिस्पॉन्स। अगर आप GPU यूज कर रहे हैं तो ये जल्दी रिस्पॉन्स दे देगा, अगर आप CPU यूज कर रहे हैं तो, और CPU भी किस जनरेशन का या कितना पावरफुल है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है ये इसका रिस्पॉन्स दे देगा। तो चलिए सबसे पहले डेमो के लिए मैं एक सैंपल स्ट्रिंग उठा लेता हूँ। लेट्स से मैं एक सिंपल सिंपल से शुरुआत करते हैं। मैं इसमें देता हूँ हाय हाउ आर यू, मैं इसको ये स्ट्रिंग दे रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मेल वॉइस में इसकी ऑडियो जनरेट कीजिए। तो और जब मैं जनरेट ऑडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक स्पिनर आ जाता है, और दैट मीन्स कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट जो है बैकएंड पे गई है। और मैं अगर आपको लॉग्स भी दिखाऊं, तो जैसे यहाँ पे देखिए टेक्स्ट प्रॉम्प्ट हाय हाउ आर यू एंड रिक्वेस्टेड वॉइस टाइप इज मेल, और अब जो है अटेंशन मास्क और ये बाकी के लॉग्स जो है जनरेट होने शुरू हो गए, यानी कि बैकएंड में प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। इट माई टेक फ्यू सेकेंड्स बेस्ड ऑन द योर कन्फिग्रेशन, टिल द टाइम इट गेट्स इट्स रिस्पॉन्स वी कैन वेट फॉर। ओके गाइस, सो इसका रिस्पॉन्स आ गया है, और अब मैं जो है आपको ये ऑडियो चला के दिखाता हूँ। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे ये रिस्पॉन्स आया, यहाँ पे एक ऑडियो प्लेयर बन के आ गया है। यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्लेबैक स्पीड, डिफरेंट डिफरेंट प्लेबैक स्पीड में जो है इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए मैं आपको इसकी ऑडियो चला के दिखाता हूँ। लेट्स सी कि उसने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कितनी करेक्ट ऑडियो दी है। Hi, how are you? तो जैसे बिल्कुल करेक्ट ऑडियो जो है दी है, मैंने टेक्स्ट दिया था हाय हाउ आर यू मेल की वॉइस में जनरेट करने के लिए, और इसने बिल्कुल करेक्ट ऑडियो जनरेट करी है। मैं अभी आपको एक और डिफरेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सो लेट्स से मैं यहाँ से एक प्रॉम्प्ट जो है कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट जैसे हम नॉर्मल रेगुलर कन्वर्सेशन में हम करते हैं, कई बार हम अपना थ्रोट क्लियर करते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा क्लियर थ्रोट, और फिर मैंने बोला हेलो, और फिर यहाँ पे एक कुछ गैप, और देन माई डॉग इज क्यूट
एंड देर इज अ देन आफ्टर दैट देर इज अ लाफ्टर। सो लेट्स से अब मैं इसके साथ इन इतनी डिटेल्स के साथ मैं अगर ऑडियो जनरेट करना चाहूँ तो लेट्स से कि वो कैसे जनरेट करता है। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ये जब ऑडियो जनरेट होगी तो यहाँ पे बेसिकली ऑडियो में एक्चुअली वो पहले जैसे रियल लाइफ में हम करते हैं ऐसे थ्रोट क्लियर करेगा और लाफ्टर भी इसमें आएगा और एक बीच में पॉज भी होगा। तो ये इन सारी चीजों को भी ये जो है कंसीडर करता है। और लेट्स से अब इसको फीमेल की वॉइस में जनरेट करते हैं, अभी तक हमने मेल की वॉइस में जनरेट किया था, लेट्स सी इस वाले में हम फीमेल की वॉइस में जनरेट करते हैं। ऑल राइट गाइज, सो ये वाले टेक्स्ट के लिए भी ऑडियो जो है जनरेट हो गई है। अभी मैं आपको ऑडियो प्ले करके दिखाऊंगा, लेट्स सी कि अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट कितनी करेक्ट ऑडियो जनरेट हुई है। Oh my God, it's मैं इस ऑडियो को एक बार और प्ले करता हूं। तो आई थिंक इसने ये ऑडियो बहुत ही करेक्ट जनरेट करी है। पहले वो जो है फीमेल वॉइस में अपने थ्रोट जैसे क्लियर करते हैं वैसी साउंड आती है, फिर हेलो बोलती है, फिर एक लंबा पोज ऐसे वाला लंबा पोज, और उसके बाद वो बोलती है कि माई डॉग इज क्यूट एंड देन देर इज अ लाफ्टर। तो बिल्कुल एप्ट जो है ऑडियो इसने जनरेट करी है। तो अभी ये डेमो की बात हो गई, अभी जो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारा है, लेट्स से मैं आपको एक क्विकली बहुत ही सिंपल वेज में एक इसका ऊबर लेवल का आर्किटेक्चर बता देता हूँ कि बेसिकली वो इसमें होता क्या है। तो चलिए अब आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा ये जो जैसा कि आप इमेज देख पा रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, बेसिकली एक वेब यूआई है, फ्रंट एंड है, और बीच में जो है मिडल वेयर में आपकी रेस्ट एपीआई एंड एपीआईज लिखी हुई हैं जो कि आपके फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में बात करती हैं। तो जैसे लेट्स से एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है, ऐसे ही जो है बेसिकली आपकी जो है रेस्ट एपीआईज लिखी हुई हैं। और बैक एंड में जो है आपका जो टेक्स्ट टू ऑडियो जनरेटर मॉडल होस्टेड है, और ये सारा पूरा जो बैक एंड आपका जो है फ्लास्क एनवायरमेंट फ्लास्क एनवायरमेंट अनेबल्ड है। सो बेसिकली फ्लास्क के अंदर जो है आपका बैकएंड जो है वो चल रहा है, ठीक है। और जो टेक्स्ट टू ऑडियो जनरेटर मॉडल है अभी के लिए आप इसको जो है एक ब्लैक बॉक्स समझ सकते हैं, क्योंकि मैं अगर टेक्स्ट टू ऑडियो जनरेटर मॉडल का इटसेल्फ एक पूरा डिटेल्ड आर्किटेक्चर बताऊंगा तो वो दैट वुड बी टू मच फॉर दिस वीडियो। और अभी के लिए आप इसको सिंपली ये समझ लीजिए कि एक कोई बिल्टिंग कंपोनेंट है विच इज योर टेक्स्ट टू ऑडियो जनरेटर मॉडल, ऑडियो जनरेटर मॉडल, और जो कि आपके बैकएंड में होस्टेड है। सो बेसिकली होता क्या है, प्लेन लैंग्वेज में अगर बताऊं, किसी भी वेब यूआई के थ्रू हम जो है रिक्वेस्ट भेजते हैं, एपीआई के थ्रू हमारी रिक्वेस्ट आती है बैकएंड पे, फ्लास्क सर्वर उसको इंटरसेप्ट करता है और बेसिकली उस एपीआई एंड पॉइंट के अंदर जो है हमने मॉडल को जो पहले से लोड करके रखा हुआ है मॉडल, उस जो पैरामीटर्स लेता है बेसिकली कि आपको किस वॉइस में, मेल वॉइस में, फीमेल वॉइस में जनरेट करना है, क्या टेक्स्ट है, उन सब टेक्स्ट को लेता है, वो टेक्स्ट को लेने के बाद वो मॉडल को देता है, मॉडल उसकी बेसिकली एम्बेडिंग्स क्रिएट करता है, वर्ड एम्बेडिंग्स जनरेट होती हैं, वर्ड एम्बेडिंग्स जनरेट होने के बाद उनके पैरेलल की जो ऑडियो एम्बेडिंग्स है उनको लेके आता है, और फिर ऑडियो एम्बेडिंग्स को जो है वापस ऑडियो फॉर्म में लेके आके और उसको जो है इनर रेस्पॉन्स उसको स्ट्रीम कर देता है अपनी आपके फ्रंट एंड को। तो ये जो है आपका जो आपका मेजरली आर्किटेक्चर पार्ट हो गया। अब लेट्स से मैं आपको क्विकली जो है बहुत ही क्विकली एक कोड वॉक थ्रू करवा देता हूँ। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे ये मेरे रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्सटी जहाँ पे हम अपनी जो बेसिकली जो जो हमें लाइब्रेरीज या डिपेंडेंसीज हैं उनको डिफाइन किया हुआ है। प्रोफाइल में बेसिकली कुछ नहीं होता, आप अपने फ्लास्क सर्वर को इनिशिएट करने के लिए यहाँ पे इस फॉर्म में जो है आपकी ऐप का नेम देते हैं बेसिकली, और आपकी जो फर्स्ट फाइल है जो आप लोड करना चाह रहे हैं उसका नेम देते हैं। अब मैं बैकएंड पे आ जाता हूँ, बैकएंड पे क्विकली बहुत ही क्विकली मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं फ्लास्क
ऐप का जो बेसिकली फ्लास्क का जो ऑब्जेक्ट बना के ऐप में असाइन करवा रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो जो मॉडल मैं यूज कर रहा हूँ उसको उसका प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और यहाँ से मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये चेक किया है कि अगर आपके बेसिकली मशीन के ऊपर सीपीयू है तो सीपीयू रन करे, अदरवाइज कूडा या जीपीयू अनेबल्ड है तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है जीपीयू उठाए। अब बहुत ही जल्दी एक जल्दी से क्विक से इसका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो जनरेट ऑडियो के एक एपोस्ट एपीआई का एंड पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्दर डिटेल्स है कि आपको फीमेल वॉइस है, मेल वॉइस है, फिर यहाँ पे उसकी टेक्स्ट प्रोसेसिंग होती है, फिर जो है मॉडल को उनकी इनपुट्स दी जाती हैं, फिर मॉड्यूल फिर उसको ऑडियो स्ट्रीम करते हैं हम, फिर उसको बेसिकली जेसन फॉर्म में रिस्पॉन्स में उसको हम रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो ये बहुत ही क्विक जो है वन ऑफ द उसका रिव्यू था। और ऐसे ही फिर हमने जो फ्रंट एंड लिखा हुआ है, फ्रंट एंड में भी यहाँ पे आपका जो है जावास्क्रिप्ट का कोड है, और अभी के लिए जो मैंने यहाँ पे CSS स्टाइल वगैरह सभी एक ही फाइल में डाले हुए हैं, बट आप जो है अलग अलग में भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, इट्स जस्ट अ सिंपल प्लेन कोड, ये आप जो है समझ सकते हैं। इतना इसके जो है डिटेल्स में जाने की अभी के लिए जरूरत नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, टेक्स्ट टू ऑडियो जनरेशन, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू टेक्स्ट, और बहुत सारे वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। और कोड के लिए जो है आप जो है मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।